नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत यादव, अध्यक्ष दादरा नगर हवेली इंडस्ट्री एसोसिएशन, अपने सभी उत्तर भारतीय भाइयों से, विशेषकर श्रमिक वर्ग से ये हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि इस कोरोना महामारी के समय में आप संघ प्रदेश में बने रहिए, पलायन का बिल्कुल ना सोचिए, क्योंकि हमारा संघ प्रदेश आज तमाम भारतवर्ष में हमारे प्रशासक महोदय श्री प्रफुल्ल भाई पटेल के नेतृत्व में एक सेफेस्ट प्लेस है और हमारा पूरा ही प्रशासन, पूरे गवर्नमेंट ऑफिसर्स हर एक श्रमिक का, हर एक गरीब से गरीब आदमी का पूरी तरह से ध्यान रख रहे हैं। किसी भी आदमी को खाने का, किसी और चीज़ का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और अब इस महामारी के हम जीतने की कगार पे हैं। इसलिए आपसे विशेषकर अनुरोध है कि आप अपने गांव की तरफ पलायन का बिल्कुल ना सोचिए, क्योंकि अभी 50% इंडस्ट्री तो यहाँ पे चालू हो गई है, बची कुछ भी इंडस्ट्री मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जल्दी से जल्दी चालू हो रही है, तो सभी का इसमें इस भलाई है और उनके जॉब भी बने रहेंगे, सभी कुछ पहले जैसा हो जाएगा। आपसे हाथ जोड़कर विशेष अनुरोध है कि आप लोग कृपया करके शांति बनाए रखिए और भारत सरकार द्वारा निर्देशित सभी नियमों का पालन कीजिए, डिस्टेंस बनाए रखिए, घर में रहिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए या कंपनी में रहिए और हाथ धोते रहिए, प्लीज़ करके आप रुके रहिए, ये आपसे विशेष अनुरोध है। इंडस्ट्री भी आपके साथ है, धन्यवाद। मैं अनिल दीक्षित आप सभी प्रवासी भाइयों से नम्र निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग जो यहाँ से जाने का सोच रहे हैं दादरा नगर हवेली से, ये हमारा दादरा नगर हवेली बहुत ही सुरक्षित है, सुरक्षित जोन है। यहाँ से आप जाएंगे, रास्ते में रेड जोन पड़ता है, आप वहाँ से गुजरेंगे तो आप खुदा न खास्ता आपको कोई बीमारी लग गई तो वही बीमारी आप अपने घर में लेके जाएंगे, अपने बच्चों को लेके जाएंगे। और दूसरी बात क्या, या जैसे ही आप यहाँ से जाएंगे वहाँ 15 दिन के क्वारंटाइन कर दिए जाएंगे और आपके पास 2 पैसा भी नहीं हुआ है। जब यहाँ इंडस्ट्रीज कम से कम पैसा दे रही है, इंडस्ट्रीज चालू है, पगार भी भर के दे रही है, तो आपको क्या दिक्कत है, आप यहीं रहिए ना। और हमारा प्रशासन सारा कुछ कर तो रहा है, यहाँ अक्षय पात्रा है, अक्षय पात्रा लाखों लोगों को खाना खिला रहा है, प्रशासन किट भी बांट रहा है, सब कुछ कर रहा है, फिर लोग आप लोग क्यों इतना परेशान है, किसी के बहकावे में नहीं आइए और सब प्रशासन का सपोर्ट करिए। हमारा प्रशासन, प्रशासक साहब, कलेक्टर साहब इतना सबका सपोर्ट कर रहे हैं, सबके लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, आप लोग कहीं मत जाइए, प्लीज आप यहीं रहिए, यहाँ ग्रीन जोन है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद। श्रमिकों की नगरी के हमारे समस्त प्रवासी मित्रों, दादरा नगर हवेली इसके विकास में हम प्रवासियों का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। जो त्याग, जो मेहनत, जो कष्ट हमने इस दादरा नगर हवेली के को एक औद्योगिक नगरी में कन्वर्ट करने के लिए किया है, ये दादरा नगर हवेली के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। आज कोरोना का कहर सारे विश्व के लिए चुनौती बना हुआ है, इसकी कोई दवा विकसित नहीं है, सिर्फ सामाजिक दूरी इसका अभी का वर्तमान उपाय है और इसी को लेकर के लॉकडाउन किया था। लॉकडाउन से बहुत सारी समस्याएं उपजी, लेकिन एक संदेश बिल्कुल साफ था कि आज हमें अपने लाभ और हानि को नहीं देखना, आज हम और हमें सिर्फ अपने जीवन, अपने मित्रों के जीवन, अपने परिजनों के जीवन, अपने संबंधियों के जीवन की सुरक्षा देखनी। इसी संदर्भ में मैं आप सबों से कुछ विनती करना चाहता हूं और ये उम्मीद है कि आप हमारी विनती को सकारात्मक रूप से, सकारात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे और इसका अमल करेंगे। आज 40 दिन के लॉकडाउन से हमने क्या सीखा कि सोशल डिस्टेंसिंग ही एकमात्र जरिया है, तरीका है कोरोना से युद्ध करने का, कोरोना से जीत का।
हम अच्छी तरह से जाने हैं, समझे हैं कि आज पूरे हिंदुस्तान में जो कोरोना से लड़ने के लिए यहाँ के प्रशासक समेत यहाँ की टोटल गवर्नमेंट मशीनरी ने जो अथक प्रयत्न किए, एक एक व्यक्ति के घर तक पहुंचे, किसी को खाने पीने की तकलीफ नहीं दी गई, ये अपने आप में एक मिसाल है। और यही रीजन है कि आज दादरा नगर हवेली हिंदुस्तान का सबसे सुरक्षित जगह बना हुआ है। मित्रों, ये सब जानने के बावजूद हम अपने कर्म भूमि को छोड़कर के अपने जन्म भूमि जाने के लिए क्यों कावले हैं? जहां ये हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि वहां की जो सामाजिक संरचना है, वहां की जो मेडिकल फैसिलिटी है, जब ये कोरोना फैलेगा तो हम इसको झेल नहीं पाएंगे, इसको एड्रेस कर नहीं पाएंगे। और हम जहां हैं हम सुरक्षित हैं। और यहां ऐसी कुछ भी हुई कि यहां हमें देखने वाले समझने वाले सभी लोग हैं। अतः मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं कि आप जहां हैं वहीं रहें, अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने परिजनों को सुरक्षित रखें, अपने घर वालों को सुरक्षित रखें और इस संकट की घड़ी का सामना करें। कोई किसी तरह की दुख होगी, सरकार ने इसके लिए टेलीफोन सेवा हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं, वहां बात करें। बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं भी हैं यहां पर हैं जो परोक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से आपकी मदद कर रही है, उन्हें अपना कष्ट बताएं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके कष्ट का निवारण किया जाएगा, लेकिन आप अपनी जगह को मत छोड़ें, आप दादरा नगर हवेली से बाहर नहीं जाए। इतना ही नहीं, कोई भी व्यक्ति कहीं से दादरा नगर हवेली के अंदर प्रवेश करता है और आपको ये ज्ञात होता है कि यह दूसरे राज्य से, दूसरे प्रांत से, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आया है, इसकी भी सूचना आप प्रशासन को दें, ये हमारा कर्तव्य है। इसी तरीके से ही और इसी उपाय से ही हम अपनी और जन समुदाय की रक्षा कर सकते हैं। धन्यवाद।